popular participation in political parties. It is often said that political parties are facing a crisis because they are very unpopular and the citizens are indifferent to political parties. ये बात कही जाती है कि जो political parties हैं, उनको भी जो है काफी crisis का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो या तो popular नहीं है या citizens के जो political parties को लेके थोड़ा सा अलग-अलग विचार हैं. The available evidence shows that this belief is only partly true for India. इस तरह का जो evidence है, इस तरह का जो proof है, ये खाली इसलिए है कि पूरी तरह से नहीं बट पार्शियली हम कह सकते हैं इंडिया के लिए भी ये सही बात है. द एविडेंस बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ लार्ज सैंपल सर्वेस कंडक्टेड ओवर सेवरल डिकेड्स शोज दैट. अब ये जो हमने बात कही है ये बहुत सारे सैंपल सर्वे कराए गए कई दशकों में तब वो बताते हैं पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका लोगों का जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है. The proportion of those who say their trust in political parties is not much or not at all is more than those who have some or great trust. जो proportion है यानी जो comparison में अगर ratio देखें तो जो लोग कहते हैं कि उनका political parties पे या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत ज्यादा नहीं है, वो कहीं ज्यादा है उन लोगों के मुकाबले जो कहते हैं कि ठीक है हम थोड़ा सा trust करते हैं या बहुत ज्यादा trust करते हैं political parties पे. The same is true for most other democracies as well. ऐसा ही बहुत और democracies के लिए भी बात सच है. Political parties are one of the least trusted institutions all over the world. जो political parties हैं, एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये एक ऐसे institution हैं जिस पर लोग बहुत कम भरोसा करते हैं. Yet the level of participation in the activities of political parties was fairly high. तब भी जो लोग political parties की activities में participate करते हैं, वो काफी ज़्यादा है. The proportion of those who said that they were number of members of the political party was higher in India than many advanced countries like Canada, Japan, Spain and South Korea. जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम political party के member हैं, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, बजाय उन advanced countries के जैसे कि Canada है, Japan है, Spain है या South Korea है. Over the last three decades, the proportion of those who report to be the members of political parties in India has gone up steadily. पिछले तीन दशकों में जो प्रोपोर्शन है जिसमें ये रिपोर्ट बताती है कि जो मेंबर्स है पॉलिटिकल पार्टीज के इंडिया में वो बढ़ते जा रहे हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु से दे फील क्लोज टू अ पॉलिटिकल पार्टी हैज गॉन अप इन इंडिया इन दिस पीरियड. यहाँ तक कि जो लोग ये कहते हैं कि हाँ हम इस पॉलिटिकल पार्टी के करीब हैं वो भी इंडिया में काफी बढ़ा है इस पीरियड में. नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. वो डेमोक्रेसीज जो फेडरल सिस्टम अपनाती है पूरी दुनिया में उनकी दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. फेडरल सिस्टम अभी हमने जैसे बोला था कि वो लोग आपस में यूनाइटेड भी हैं, लेकिन अपने इंटरनल मैटर्स में वो इंडिपेंडेंट हैं. पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन काइंड ऑफ द फेडरल यूनिट्स एंड द पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन. दो तरह की किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक वो जो खाली एक ही फेडरल यूनिट में प्रेजेंट होती है या वो पार्टीज जो कई सारे फेडरल यूनिट्स में प्रेजेंट होती है. दिस इज द केस इन इंडिया एज वेल. ये इंडिया में भी है ऐसा. देयर आर सम कंट्रीज वाइड पार्टीज व्हिच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज. बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती हैं. दीस पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स. इन पार्टीज के जो यूनिट्स हैं वो कई सारे स्टेट्स में हैं. बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजीज दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल. और ये जो यूनिट्स हैं ये वही पॉलिसीज प्रोग्राम्स या स्ट्रेटजी को अपनाते हैं जो कि नेशनल लेवल पर डिसाइड किया जाता है. एवरी पार्टी इन अ कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. हर एक पार्टी जो कंट्री में है उसको इलेक्शन कमीशन में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा. व्हाइल द कमीशन ट्रीट ऑल पार्टीज इक्वली इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज. जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन वो ज्यादातर सारी पार्टीज को एक ही जैसे ट्रीट करते हैं, पर फिर भी कुछ स्पेशल सुविधाएं जो है वो बड़ी और एस्टैब्लिश पार्टीज को दी गई हैं. दीज पार्टीज हैव गिवन यूनिक सिंबल. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल. इन पार्टीज को जो एक यूनिक सिंबल दिया गया है यानी इलेक्शन का जो चिन्ह है वो इनको अलग से दिया गया है और जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उस पार्टी के वही इस इलेक्शन सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं. पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस. वो जो पार्टीज जो है उनको ये प्रिविलेज मिलती है, सुविधा मिलती है, साथ ही साथ जो है कुछ और सुविधाएं भी जो है वो दी गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा इस पर्पस के लिए. That is why these parties are called recognized political parties. इसी वजह से जो है इन parties का recognized political parties कहते हैं.
The Election Commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party. जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि इतने वोट्स और इतनी सीट्स तो एक पार्टी को मिलनी ही चाहिए अगर वो अपने आप को एक रिकॉग्नाइज पार्टी बोलना चाहती है. अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 seats इन द इज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी. अगर एक पार्टी जो है सारे के सारे जितने भी वोट्स पड़े हैं जो इलेक्शंस हुए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी भी स्टेट के अंदर उसमें एटलीस्ट उसको 6% तो वोट मिलने चाहिए. साथ ही साथ उसको 2 seats अगर मिल जाती हैं तो वो स्टेट पार्टी मान ली जाती है. अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 states एंड विन्स एटलीस्ट 4 seats इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी. और वो पार्टी जो एटलीस्ट 6% वोट मिले टोटल वोट्स में से चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हों या इलेक्शन असेंबली इलेक्शंस हों किसी 4 राज्य में और साथ ही साथ वो 4 सीट्स जीत पाती है लोकसभा के अंदर तब उसको जो है नेशनल पार्टी मान लिया जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टीज इन द कंट्री इन 2006. उस हिसाब से देखा जाए तो 6 नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टीज थी कंट्री के अंदर 2006 में. Let us learn something about each of these parties. अब हम इन parties के बारे में कुछ पढ़ते हैं.